संसार पुकार काने नाम पर शिवे संसार काने नाम पर शिवे देह रोग दूर रवे देह रोग हरे हरे कृष्ण बलि गाइते गाइते हरे नयने बहिने नो नयने बहिने नो देहते पुलक उदित हइबे देह उदित हइबे निमिते करी गद गद वाणी मुखे बाहिरी बे कापि बे शरीर कापि बे धर्म मुहुर मुहुर विवरण हरिवे धर्म मुहुर संबिता प्रलय संबिता प्रलय गुरु के कबे मोर से निष्कपटे न दशक बेहवे दशक बेहवे निरंतर नाम गावो निरंतर नाम आवेश रहिया देह यात्रा करी आवेश रहिया तुमार करुणा पावो तुमार करुणा कबे मो से चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्त वृंद कृष्ण चैतन्य
सुशीतला जयाय जन अजुना तेन नितैवेन भाई राधा कृष्ण Oh,
गला दर्द है, पहले बोलते ही गला दर्द है। तो हाँ, कुछ बोल सकते हो किंगराज भाई? हाँ, तो पहले ही बोल दिया गला दर्द है। यहाँ पर और क्या बोल सकते थे? और अरे इसकी नाम क्या है, पीछे बैठी तुम्हें, अरे तुम्हारा नाम क्या है, भूल गया, बोलो। हेमांगी बोल सकती हो? नहीं, पहले पहले मुंडी हिला दो। और कौन वाला की कुछ सही है? आनंद मोहिनी दीदी बैठी और सही है, आनंद मोहिनी दीदी, वो तो ऑस्ट्रेलिया के पढ़ी क्या नहीं है। तुम भी कुछ बोल सकते हो क्या? कापी लेकर तो नोट भी नहीं करोगे, खाली हाथ लेकर जाते हो, कापी पहले लेकर के आओ। हाँ, कब तक गालो, जय जय देव हरि गालो। वो बच्चे को तो बढ़िया बज गया, अरे बच्चा बढ़िया बढ़िया। ऐसे कोई मृदंग तो ले आते हैं, मृदंग नाथ मंदिर गोटे है, नाथ मंदिर गोटे है, जाते हैं ताकत है प्रोग्राम आरंभ गोटे मृदंग। Yeah.
आज सब पंडित लोग कहाँ गए? हरी बोल हरे कृष्ण। थकावट हो गया ना? आज बहुत सेवा किया ना, आज बहुत प्रसाद सेवा किया ना। इधर गए आप कितने बजे लगे? हरे कृष्ण। सब 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 सामने आ जाओ, सबके सब धीरे धीरे सामने आ जाओ और पास में आ जाओ। एकदम जो पीछे आएगा वो पीछे बैठ जाएगा और पास में। एकदम खींचा करके बैठे। सब 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 एक बार ऐसे नोट करनी चाहिए जो जिंदगी भर के लिए नोट हो जाए। ऐसे नोट करनी चाहिए दूसरी बार। इसलिए हरे कृष्ण। और ऑस्ट्रेलिया वाले यहाँ जब परिक्रमा करके जाओगे वहाँ का जब पूछेगा क्या सुने क्या बोलोगे? नोट नहीं करोगे तो रिकॉर्डिंग करो, नोट करो। खाली दिमाग से आते हो, खाली दिमाग में चले जाते। तो तुम वहाँ बैठो, अंदर में बैठो, अंदर बैठो। रखो उनको अंदर, वो लोग अंदर। हाँ आवाज नहीं तो मेरा आवाज तेज। तुम गेट में बैठो। तुम भी ये भी घूमते रहती है, इसका भी कोई काम धाम नहीं। आपका गिरिराज कुछ कथा सुना तो क्या यार, तुम्हारे सुना सकती हो? देखिए तेज, ये भी तेज, बहुत तेज ही है। हाँ आ जाए जरा दो मिनट सुना, गिरिराज की कथा सुना। क्या देख रहे हो क्या? हाँ थोड़ा थोड़ा सा सुनो सुना। इधर ये ना ये दिल्ली मठ में बच्चों को टीचिंग करती है। आवाज इधर आ जाओ। और हेमानी की मैया है? हेमानी की मैया कहाँ है? तुम ही हो? हाँ सुना कर छोटी बेटी। हाँ गला बैठ गया है? हाँ सबको गला, जो बोलने का बात बोलना गला बैठ जाता है। हरे कृष्ण। बोले श्री गिरिराज महाराज की। बोले श्री गिरिराज गोवर्धन की। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हाँ हरे कृष्ण। सब ध्यान से सुना। हरे कृष्ण। ओम अज्ञान तिमिरां दस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायैस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। और आगे आगे बढ़ जाओ, सब जो पीछे बैठे ना आगे आगे जाओ। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। हरि बार जोर करके बोलो। बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। श्री गिरिराज बाबा की जय। तुम भी कुछ लिखते हैं ना, लिखा बुरा करके रोसी बनाकर जीवन बिताते हो, लिख रहे ना? हरे कृष्ण। आज मैं बोलता हूँ सुन लो अच्छा तरह से, जो थोड़ी थोड़ी याद रहेगा ना इसको कल बोलना, ठीक है? आज मैं बहुत कथा सुनाऊंगा इसलिए जिसको थोड़ी थोड़ी याद रह जाएगी कोशिश करना। एक कापी पेन लेकर बैठो, कापी और पेन लेकर बैठो और सारी चीज को। ओ जम्मू वाले सब के सब खाली दिमाग में आओ, खाली दिमाग से यहाँ चले जाओ। थोड़ी थोड़ी कथा सुनना, सब याद करना थोड़ी थोड़ी।
ठीक है, और उसको जंप में जाकर सुनाना और मेरे को सुनाना। बोले श्री गिरिराज महाराज की, बोले गिरिराज गोवर्धन की, हरे कृष्ण। हम लोग बड़े सौभाग्यवान हैं जो कि गुरु जी की कृपा से हम लोग श्री गिरिराज की तलहटी में निवास कर रहे हैं। कभी ये गिरिराज निवास साधारण वस्तु नहीं है, गिरिराज में तलेट में निवास करना कोई साधारण वस्तु नहीं। कदि ये स्थान की इतने दुर्लभता है, इसलिए जिसको श्री प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं, बोले ब्रह्मी स्वरादि सुदुर्लभ। यहाँ पर श्री ब्रह्मा जी को भी स्थान मिलना बड़ा कठिन है, हैं? ब्रह्मा भी यहाँ पर सेवा करने के लिए जो ब्रह्माचल पर्वत है, ब्रह्मा स्वयं ये ब्रह्माचल पर्वत रूप में यहाँ प्रकट हुए, प्रकट होकर के यहाँ पत्थर रूप में निवास कर रहे हैं। कहते शंकर जी हम जाएंगे नंदगांव, नंदगांव कौन है? कहते स्वयं शंकर जी। ये शंकर जी भी पर्वत रूप में यहाँ भी जन्म ग्रहण किए, मतलब ब्रज में कृष्ण के भक्त रूप में तो जन्म लेना बड़ा कठिन है, कृष्ण की कोई भक्त रूप में यहाँ जन्म लेना बड़ा कठिन है। इसलिए ब्रह्मा शंकर तक भी यहाँ पर पर्वत रूप में जन्म हुए। कभी गिरिराज गोवर्धन ये भी विष्णु स्वरूप है, ये भी पहाड़ बनकर के जन्म हुए। कौन? बोले भगवान विष्णु स्वयं ये पर्वत रूप में, श्री गिरिराज भी स्वयं पर्वत रूप में यहाँ पर प्रकट हुए हैं। इसलिए हम लोग गुरु जी की हम सभी के ऊपर में बड़ी कृपा है जो कि हम लोग श्री गिरिराज के तलेट में, सबके सब गिरिराज तलेट में हम लोग निवास कर रहे हैं, बड़े सौभाग्यवान हम लोग का है। कहते इनका नाम है श्री गिरिराज। क्या नाम है? श्री गिरिराज। गिरिराज का मतलब क्या होता है? गिरिराज मतलब होता है गिरियों में जो राजा है, गिरि मतलब होता है पर्वत, मतलब पर्वत में जो राजा है ये श्री गिरिराज है। बोले श्री गिरिराज महाराज की। क्या आज प्रसाद पाए नहीं, ठीक से आवाज नहीं आ रही? बोले श्री गिरिराज महाराज की। अभी लग रहा है प्रसाद सही पाए, इसलिए इनका नाम गिरिराज। कहते क्योंकि जो जो पर्वत है इसका बहुत सारे कारण है, इनका नाम गिरिराज नाम क्यों पड़ा है, हैं? कहते एक समय ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों ने कठोर तपस्या की। बोले किसको? बोले श्री राधा और कृष्ण को इन्होंने कठोर तपस्या की। जब राधा कृष्ण संतुष्ट हुए, बोले ब्रह्मा को, बोले प्रभु आपकी चरण की हम सेवा पाना चाहते हैं। तब कृष्ण ने राधा रानी पूछे, बताओ किस रूप में सेवा पाना चाहते हो, किस रूप में सेवा पाना चाहते हो? बोले क्या मेरे सखा सखी रूप में बनकर के सेवा करोगे? बोले प्रभु हमारा इतना कहाँ सौभाग्य, आपकी सखा सखी बनने का हमारे कहाँ इतना सौभाग्य। बोले फिर बताओ क्या यहाँ पर कोई हमारे गैया बन करके, गैया बछड़े बन करके ना ब्रजवासी बन करके? प्रभु हमने कहाँ इतने अच्छा कर्म किया आपकी सखा सखी बन पाए। ब्रह्मा विष्णु महेश, हाँ तो अंदर की बढ़िया सामने बैठो इधर। इसलिए तब बोले ब्रह्मा, तब बोले फिर कोई पशु पक्षी बन करके यहाँ क्या सेवा करना चाहते हो? बोले प्रभु यहाँ पर पशु पक्षी जन्म लेने का भी बड़ी सौभाग्य चाहिए, यहाँ पर कहीं हमारी पशु पक्षी, आप लोग सामने आ जाओ, सामने आ जाओ, ऊपर जल्दी आ जाओ और कथा को सुनना। और आज मैं कथा सुनाऊंगा, कल आपको सुनाना पड़ेगा। और काफी नोट पेन और काफी लेकर बैठ जाओ, माला नहीं काफी पेन लेकर बैठ जाओ और एक एक पॉइंट पे लिखना। इसलिए कहते हम इतना कहाँ सौभाग्य की जो कि हम वृंदावन, क्योंकि रघुनाथ दास गोस्वामी स्वयं कहते हैं, कहते वृंदावन के जो गुल्म लता कीट पतंग है ये कोई साधारण नहीं, वृंदावन में जो गुल्म लता कीड़े मकड़ भी यहाँ सबके सब कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, सब कृष्ण सेवा कर रहे हैं, हर किसी ना किसी रूप में ही कृष्ण सेवा कर रहे हैं। पहले मैंने सुना है ना, एक बार राधा रानी मान कर ली, जब राधा रानी मान कर ली अभी कृष्ण मनाते मनाते तो थक गए, और किससे कृष्ण किसी तरह से राधा रानी को मना नहीं पा रहे,
इसलिए कभी कभी बोलते ना हे राधे, मेरे को गिरिराज उठाने में जितना ताकत नहीं लगता है, हाँ अघासुर बकासुर को मारने के लिए जितना ताकत नहीं, अगर तू जो मान कर लेती है ना, तेरे मान मनाने के लिए पता नहीं मेरे को क्या क्या करना पड़ जाता है, हैं? इसलिए अभी कृष्ण तो हम जब मना नहीं पाए, इस तरह से कृष्ण तो थक गए। राधा रानी तो कुंजो छोड़ कर जा रही, इतने में कृष्ण जोग माया को आश्रय लिया। अभी क्यों जोग माया क्या करती है, बोले प्रेमा वैसे प्रभु रो नहीं देहानुसंधान, इच्छा जानी लीला शक्ति करे समाधान। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कृष्ण की इच्छाओं को जान करके उनको जो इच्छा शक्ति जोग माया झट ये क्रिया को संपादन कर देते हैं। इतने में जोग माया ने किया कि हठात एक काला एकदम काला सर्प रूप धारण करके एकदम प्रकट हो गई। हाँ जब राधा रानी जा रही थी ना, फक करके सर्प उठा दी, इस काले सर्प को देख करके राधा रानी जो भाग रही थी ना, वो भागेगी कहाँ, इतने डर गई उसने, इतने डर गई मान फान तो कहीं भाग गया और सीधा आकर कृष्ण की गोद में लेट गई। देखो जो काम कृष्ण नहीं कर पाया वो काम को किसने कर दिया, ये सांप ने वो काम कर दिया। मतलब वृंदावन में जो पशु पक्षी कीड़े मकोड़े जो सर्प बिच्छू है ना, ये जो बिच्छू भी कभी ये सब के सब कृष्णानुकूलम, ये सब के सब कृष्ण सेवा करते हैं, ये सारे को सारे कृष्ण सेवा करते हैं। इसलिए ब्रह्मा शंकर और विष्णु कहते बोले प्रभु यहाँ के हम कीड़े मकोड़े बनने का भी हमने सौभाग्य नहीं है, बोले फिर बताओ फिर किस रूप में सेवा करना चाहते हो। तब कहते प्रभु अगर ब्रज में अगर हम पत्थर रूप में भी हमारी जन्म हो जाए, आप अगर आप हमारे ऊपर में लीला करोगे बस हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। तब स्वयं ब्रह्मा जी ब्रह्माचल पर्वत बने, स्वयं शंकर जी नंदीश्वर महादेव बने और स्वयं विष्णु कति जो गिरिराज गोवर्धन नहीं, ये स्वयं कौन है, ये एक विष्णु है, ये गिरिराज रूप कृष्ण स्वयं विष्णु ये गिरिराज गोवर्धन रूप धारण करते हैं। इसलिए ये एक कथा दी है, इसलिए इनका नाम गिरिराज, मतलब गिरि मतलब होता है पर्वत, इसमें जो राजा है, मतलब हर पर्वत का एक एक रूप है। जैसे ब्रह्मा जी ब्रह्माचल पर्वत, शंकर जी नंदीश्वर महादेव और विष्णु गिरिराज गोवर्धन, इसलिए गिरिराज मतलब गिरियों में जो राजा है। क्यों स्वयं विष्णु ये गिरिराज रूप धारण किया, कहते ये एक गिरिराज है। बोले दूसरा क्या है, बोले इनका नाम गिरिराज। बोले कारण क्या, बोले कारण है बोले पर्वत में राजा है, पर्वत में ये राजा है। बोले क्यों, कहते एक स्वरूप हो गया तो विष्णु, दूसरा स्वरूप क्या है, जब श्रीमन चैतन्य महाप्रभु श्री रघुनाथ दास गोस्वामी को उन्होंने दो चीज दिया था, क्या क्या चीज दिया था बोलो, गिरिराज शिला और गुंजा माला। महाप्रभु स्वयं बताए कहते हे रघुनाथ मैं तुमको ये गिरिराज शिला नहीं दे रहा हूँ, स्वयं कृष्ण को ही मैं तुम्हें कृष्ण को दे रहा हूँ। जब उन्होंने गुंजा माला दी बोले तुमको गुंजा माला नहीं, कहते स्वयं श्री राधा रानी को मैं दे रहा हूँ। इसलिए श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ये गिरिराज शिला को क्या करते थे, आंखों के आंसुओं से स्नान कराया करते थे, हैं आंखों की आंसुओं को द्वारा स्नान कराते थे गिरिराज गोवर्धन को, और रोज बड़े सुंदर सुंदर खाजा जगन्नाथ जी के बड़े सुंदर सुंदर खाजा इनको भोग लगाया करते थे। इसलिए इनका नाम क्या हो गया गिरिराज। गिरिराज मतलब गिरियों में जो राजा, कृष्ण से बड़ा कौन हो सकता है बताओ, कृष्ण स्वयं। इसलिए बोले ना जब कृष्ण उन्होंने भोग लगाए, जब उन्होंने भोग लगाए ना उसी समय कृष्ण स्वयं गिरिराज बने, कृष्ण स्वयं गिरिराज बने। कहते एक स्वरूप में तो पूजा कर रहे हैं और दूसरे स्वरूप में पूजा को ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन जब ये ब्रजवासियों ने देखा, क्या देखा, ये कृष्ण स्वयं गिरिराज बने, विशाल रूप धारण किए हुए, उसको देख करके कुछ ब्रजवासियों के मन में शंका हो गई। बोले क्या शंका हो गई, भैया ये दाल में कुछ काला दिख रहा है, ये दाल में कुछ काला दिख रहा है, मतलब कि आप कुछ गड़बड़ी लग रहा है, ये जो गिरिराज है ना, कुछ ब्रजवासी कह रहे थे ये जो कन्या है ना ये खुद पूजा करके और स्वयं गिरिराज रूप धारण करके खुद खा रहे हैं, और नाम ले लिया गिरिराज की, नाम तो ले लिया गिरिराज की और स्वयं खा रहे, स्वयं खाना, ये
इसलिए भैया दाल में कुछ काली दिख रहा है, बोले दाल में काली नहीं पूरी काली ही काली है, ये काली नहीं पूरी काली है, ये लगता ही गड़बड़ी है, हैं? ये कृष्ण स्वयं ये गिरिराज बने, इसलिए सारे को सारे ब्रजवासी दर्शन कर रहे थे, इसलिए ये गिरिराज कौन है, कहते गिरिराज कौन हो गए, गिरिराज हो गए स्वयं कृष्ण हो गए। अब बताओ कृष्ण से कोई बड़े हो सकता है, बोले कृष्ण से कोई बड़े हो सकते हैं क्या, इसलिए गिरिराज मतलब होता है गिरियों में जो राजा है, हैं? हर पर्वत का जितने पर्वत है हर पर्वत का एक एक रूप है, जैसे विंध्याचल पर्वत है अलग अलग से पर्वत है उसका एक रूप, फिर गिरिराज गोवर्धन का स्वरूप स्वयं कौन हुए, स्वयं श्री कृष्ण हुए, इसलिए इनका नाम गिरिराज, मतलब कृष्ण से बड़े तो कोई हो ही नहीं सकते, गिरिराज स्वयं कृष्ण है, इसलिए फिर इनका दूसरा नाम गोवर्धन, क्या नाम है गोवर्धन, बोले गोवर्धन नाम क्यों पड़ा है, बोले गो गो का बहुत सारे अर्थ होता है, गो मतलब होता है इंद्रिया, गो मतलब होता है वेद, गो मतलब गैया, गो मतलब गोपी, गो मतलब पृथ्वी, गो मतलब पृथ्वी, इसलिए वर्धन, वर्धन मतलब है ये सबको जो वर्धन करने वाले, सबको जो पोषण करने वाले हैं, कहते ये गोवर्धन है, बोले श्री गिरिराज गोवर्धन की, इसलिए गोवर्धन, कहते कृष्ण यद्यपि ये गिरिराज, गिरिराज सबको वर्धन करते हैं, गैया घास कहाँ खाते हैं, गिरिराज गोवर्धन में घास खाते हैं, ब्रजवासी गो मतलब गोपी को वहां पर फल मूल आदि कहाँ से खाते हैं, बोले गिरिराज से खाते हैं, पानी कहाँ से पीते हैं, बोले गिरिराज गोवर्धन से पानी पीते हैं, इसलिए गो मतलब होता है इंद्रियां, बोले किसकी इंद्रियों को वर्धन करते हैं, बोले यद्यपि ये सभी का इंद्रियों को वर्धन, वर्धन समझ बढ़ाते हैं, सभी की इंद्रियों को ये सेवा करते हैं, लेकिन इस सर्वश्रेष्ठ रूप में ये किसकी इंद्रियों को सेवा करता है, बोले कृष्ण इंद्रियों को, कृष्ण इंद्रियों को परिपूर्ण रूप में, कृष्ण के इंद्रियों को गोवर्धन इनकी इच्छाओं को पूरी करता, बोले कैसे, बोले यहाँ पर हम लोग पहले सुन रहे थे ना, हंताय अद्रिय बला हरिदास वर्ज जत राम कृष्ण चरण स्पर्शम प्रमोदम, ये राधारानी स्वयं इस श्लोक को स्वयं श्री राधारानी कह रही है, बोले हंताय अद्रिय बला हरिदास वर्ज, कहती ये श्लोक को राधारानी कब उच्चारण करते हैं, ये ब्रज गोपी राधारानी ये श्लोक को, ये कब इन्होंने श्लोक को उच्चारण की, बोले ये श्लोक है पेणु गीत का श्लोक, कहाँ का श्लोक है, ये पेणु गीत का श्लोक है, बोले पेणु गीत का कितना नंबर श्लोक, बोले ये 18 नंबर श्लोक है, जब पेणु गीत संपूर्ण समाप्त होता है तब ये श्लोक को ये गोपियां और राधारानी ये श्लोक को तभी उच्चारण करती है, बोले ये श्लोक का मतलब क्या होता है, बोले हंताय, हंताय मतलब होता है एक तो होता है विस्मय होकर के, आश्चर्य होकर के, हैं? हंत मतलब आश्चर्य होकर कह रहे हैं, क्या आश्चर्य है, बोले भैया क्या आश्चर्य है, क्या आश्चर्य है, हैं? कत हंताय अद्रि अबला हरिदास वर्ज, तब राधा रानी स्वयं कहती हैं, देखो देखो तो सही, ये गिरिराज कितने रूप में कृष्ण सेवा कर रहे, कितने रूप में कृष्ण सेवा कर रहे हैं, तो कितने रूप में, ये श्लोक को तभी बताए जब उन्होंने पूरा वेणुगीत को गा लिया, वेणुगीत में क्या क्या बताए, वेणुगीत में बताए गोपियां कहाँ पर बैठी हुई, अपना घर में बैठी हुई है गोपियां, है घर में बैठी हुई और अपना दिव्य नेत्र से वो दर्शन कर रही है कृष्ण कैसे अपना सखाओं को साथ में, कृष्ण कैसे गोचारण करने के लिए गए है? और सखाओं को साथ में, और कृष्ण कितने सुंदर है, बोले बराहा पिडम नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारम विप्रत बास कनक कपिशयम वैजयन्ति च मालां रंध्रान भेनुरधर सुधया पुरयान गोप वृंदै वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशस्तत गीत कीर्ति, अपना दिव्य नेत्र में दर्शन करते हुए गोपियां कह रही है देखो कृष्ण कितने सुंदर है, कृष्ण कितने सुंदर है,
सर पर कितने सुंदर मयूर पंख है, बरह नटवर बहु, क्या सुंदर उनका रूप है। इसलिए कृष्ण नटवर, नटवर मतलब क्या, जितने सारे शंकर जी का नाम नटराज है, जितने सारे नाचने वालों में शंकर जी कहते हैं नटराज, लेकिन नट में सबसे श्रेष्ठ शंकर जी, लेकिन कहते कृष्ण कौन मिले नटवर, नटवर मतलब जितने नट मतलब शंकर जी उनका भी जो बर है, क्योंकि शंकर जी को पहले बड़ा अभिमान था, बोले क्या अभिमान था, बोले जितने नाचने वाले में मेरे जैसे कोई नाच नहीं सकते हैं, हैं? इसलिए शंकर जब कृष्ण प्रेम में उद्दंड नृत्य करते हैं, शंकर जी बोले मेरे जैसे कोई नाचने वाले थोड़ी बड़े, लेकिन जब उन्होंने कृष्ण को कालिया को सर के ऊपर में नाचते हुए देखा ना, बोले बम बम बलिहारी हैं, बोले प्रभु आपकी बलिहारी हो, आपकी जय जयकार हो, हैं कृष्ण दिखाए कोई गिलास आपको पर नाच सकते हैं, कोई रस्सी को पर नाच सकते हैं, कोई तलवार को पर नाच सकते हैं, आप देखना परिक्रमा में रस्सी को पर नाच रहे थे, देखा कि नहीं रस्सी को पर, कौन कौन देखे वो रस्सी को पर नाच रहे थे, हैं इसलिए कोई सर के ऊपर में कलसी लेकर के नाच सकते हो, लेकिन सांप के सर के ऊपर किसको नाचते हुए देखे हो, बोले एक सांप नहीं सौ फण उसका, वो एक साथ में कृष्ण को, एक साथ में कृष्ण को काटना चाह रहा था एक साथ में, इसलिए कृष्ण को सारे सर को बचाते हुए कृष्ण को नृत्य करना पड़ा, मतलब उन्होंने इतने तेजी से उन्होंने सर अपना चरणों को चला रहे थे, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे चौथे, ऐसे कृष्ण नृत्य कर रहे थे, जहां पर सारे देवता लोग भी देख देख करके वो सारे वाद्य यंत्र लेकर के आ गए, अब देखना वो इतने जोर से नाच रहे थे, वो बाजा बजा नहीं पा रहे थे, हाथ को ऐसे ऐसे करते करते आ गए, उनको चल ही नहीं था हाथ, मतलब उनको इतने तेजी से, इसलिए इनको देख करके, इसलिए इनको देख करके स्वयं है, इसलिए शंकर जी कहते हैं कितना तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, पम 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 फन फन ऊपर तम बिं बिंग बिंग विनति करत नाग वधु आली, सन 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 काशी का गन 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 गंधर्व गण, नम 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 नारद मुनि सब देत ताली, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी। इसलिए शंकर जी बम बम बलिहारी, प्रभु आपकी बलिहारी हो, आपकी जय जयकार हो, बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, बोले श्री कालिया नथन भगवान की। इसलिए कृष्ण नटवर है, हैं क्या सुंदर कृष्ण बंसुरी बजाते हैं, कृष्ण दो कान में एक कन्हैयारी पहनते, बोले क्यों, कदी अढ़लपन नहीं तो, कहते जैसे जब नंद भवन में कृष्ण होते है ना ब्रज गोपियां, अभी किसको तो बोल नहीं सकते, आज मैं इधर जाऊंगा नहीं तो उधर जाऊंगा गैया चराने के लिए, आज कहां पर तुम्हारे साथ में मिलन होगा बता तो नहीं सकते हैं, इसलिए कृष्ण जिधर जाएंगे ना, कनियर फूल देखे हो, कौन कौन कनियर फूल देखे हो, बोलो कनियर फूल, कनियर फूल देखे नहीं, अरे चार तरफ में ही फूल होता है, तो फूल ऐसे होता है, ऐसे होता है, हाँ? कभी पीला रंग का होता है, कभी सफेद रंग का, कभी हल्दी रंग का, तीन तरह का ये फूल होता है, ऐसे करके होता है, ऐसे करके कृष्ण इसको कान में ऐसे लगा देते हैं, लगा करके कृष्ण जिधर जाएंगे ना ऐसे कर देते हैं, बोले देखो गोपियां आज इस तरफ में आ जाना, आज मैं इधर जाऊंगा गया चराने के लिए, क्योंकि वहां तो सबको बोल नहीं सकते है ना, इसलिए ऐसे करके बोले इधर आ जाना आज, हैं इसलिए कहले करने वो करने का आरम्भ, बोले विभ्रत वास कनक का विषयम वैजयंती च मालम, इसलिए कृष्ण अपना शरीर में पीतांबर पहने हुए, बोले क्यों, बोले राधा रानी का रंग पीतरंग है, पीतरंग राधा जी का रंग है, मतलब कृष्ण राधा जी के प्रति अपना प्रेम को प्रकाश करते हैं, और राधा रानी कौन सा रंग की वस्त्र पहनती है, कौन सा वस्त्र की, नील वसना गौरी रूपे गुण धन्य, नील वस्त्र, बोले क्यों, बोले कृष्ण का जो रंग नील रंग है, मतलब दोनों दोनों के ऊपर में प्रेम की अभिव्यक्ति करते हैं, राधा रानी कहते मैं कृष्ण को प्यार करती हूँ, कृष्ण कहते मैं राधा रानी को प्यार करती हूँ, राधा रानी कौन सा कलर की चुनरी को ओढ़ती है, कौन सा कलर की, बोलो जोर से, अरे जोर से बोलो, कहते उस समय गुलाबी रंग की, बोले ये गुलाबी रंग की क्यों ओढ़ती है, बोले कारण है, बोले आज भी रज में होरी रे रसिया, आज भी रज में होरी रे रसिया, होरी रे रसिया वर जोरी रे रसिया, आज भी रज में होरी रे, इसलिए
जो गुलाल का जो रंग है ना, गुलाल गुलाल है ना, कौन रंग है? गुलाल पिंक कलर है। मतलब गुलाल रंग फेंकना मतलब क्या है? गुलाल रंग नहीं, ये जो गुलाल रंग कदी रूप गोस्वामी कदी अनुराग का रंग, गुलाल अनुराग का रंग। मतलब कृष्ण राधा रानी और राधा कृष्ण को अपना अनुराग को द्वारा दोनों दोनों को डूब रहे हैं। इसलिए हम लोगों का कपड़ा का रंग कैसे है? बोलो, गुलाबी रंग। बोले क्यों? कदी ये जो इसका जो ओढ़े है ना राधा रानी का चुंदरी का रंग, मतलब हम भी राधा कृष्ण का प्रेम में भी अनुराग का रंग से हम भी। इसलिए महाप्रभु जब संन्यास ग्रहण किए कौन सा रंग को पहने? क्यों? क्योंकि ये अनुराग का रंग है, मतलब राधा जी के अनुराग का रंग है। इसलिए मतलब राधा जी के अनुराग अनुराग में कृष्ण स्वयं ढके हुए हैं। कृष्ण अपने आप को राधा जी की प्रेम से ढके हुए हैं। इसलिए यहाँ पर ब्रज गोपियां अपना दिव्य नेत्र से दर्शन कर रही हैं, कृष्ण कैसे गोचारण कर रहे हैं और कृष्ण कैसे बलमाला पहने हुए, कृष्ण जब सखाओं को साथ में चलते हैं, हैं कैसे वृंदावन जिनकी चरण को स्पर्श पा करके अपना जीवन को कैसे धन्याती धन्य मानती हैं। इसलिए गोपियां अपना बैठ बैठ करके अपना घर में अपना दिव्य नेत्र से कृष्ण को दर्शन करते हुए गा रहे हैं। कहते अगर जगत में किसका जीवन धन्य है ना, बोले किसका जीवन धन्य? बोले ये मैं का जीवन धन्य है। बोले क्यों? बोले कृष्ण का रंग और मैं का रंग बराबर है। इसलिए मेघ क्या मानता है? कृष्ण हमारे मित्र है, कृष्ण हमारी मित्र है। क्यों? हमारे रंग उसका रंग बराबर। इसलिए कृष्ण जब गोचार न करने जाते हैं वो मेघ क्या करता है? वो कृष्ण के ऊपर छाया कर देते हैं, क्योंकि मेरे मित्र है ना, इसलिए उनको धूप कैसे लगे इसलिए उनके ऊपर में क्या करते हैं? छाया कर देते हैं। और जैसे फुहरा में स्नान, कभी फुहरा में स्नान किए हो? कौन कौन फुहरा में नहाए हो? सबके सब। इसलिए जैसे ये मेघ क्या करता है? उनके ऊपर फुहरा में जैसे पानी पानी छिड़काव करता है, हैं? इसलिए कहते जगत में अगर कोई धन्य है ना, कहते भैया ये मेघ का जीवन धन्य है। देखो कैसे कृष्ण की सेवा करते हैं। अगर जगत में किसका जीवन धन्य, किसका जीवन धन्य है? बोले बिहंग का, कहते बन का, जितने पक्षी हैं इनका जीवन धन्य है। बोले क्यों? बोले कृष्ण जब बंसी ध्वनि करते हैं वो बंसी ध्वनि सुन करके जितने सबके सब तोता पपिया सबके सब कृष्ण की बंसी ध्वनि सुन करके सबके सब मुनि बन जाते हैं। और आंख बंद करके जैसे जोगी लोग होते हैं ना, जैसे तपस्वी लोग होते हैं, जैसे आंख बंद करके ध्यान में बैठते हैं, कहते हैं लगता है सबके सब जितने पशु ये जितने पक्षियां हैं ना, लगता है सबके सब मुनि हैं। वो आंख बंद करके कृष्ण की जो मीठी मीठी बंसुरी की ध्वनि को, ये सबके सब कृष्ण की मिष्टि मिष्टि बंसुरी ध्वनि को ये श्रवण करते हैं। इसलिए अगर जीवन किसका धन्य है ना, किसका जीवन धन्य है? कहते ये बन का, जितने बिहंग का, जितने पक्षी, इनका जीवन धन्य है। बोले देखो देखो तो सही, अगर जीवन किसकी धन्य है ना, बोले किसकी जीवन धन्य है? बोले देखो ये जो वृक्ष है ना, वृक्ष से कृष्ण जब बंसी ध्वनि करते हैं, कहते जितने वृक्ष से ये मधु झरती है, वृक्ष से मधु झरती है। बोले वृक्ष से मधु क्यों झर रही है? बोले वृक्ष से मधु नहीं झर रही है, बोले क्या है? कहते जो बांस की जो टुकड़ा है ना, किसकी टुकड़ा है ये? बांस वृक्ष का एक टुकड़ा ही है, मतलब बांस के एक टुकड़े कृष्ण उसको व्यवहार कर रहे हैं। वो उदाहरण देते हैं, जब किसी वंश से एक बेटा भगवान की भक्ति करने के लिए जाए उसका कितना लाभ है? बोले उसका 21 पीढ़ी उधार हो जाते हैं। कितना उधार हो जाते हैं? 21 पीढ़ी उधार हो जाते हैं। और जिस वंश में एक बेटा भगवान की भक्ति करे, बोले कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, उसका कुल धन्य हो जाता है, उसको माँ की जीवन धन्य, उसकी पिता की जीवन धन्य हो जाते हैं। और निर्तन्ति स्वर्गे पितरि पितरिषा, जो पहले चले गए ना वो सबके सब हाथ उठा उठा करके नाचना शुरू कर देते हैं। हमारी कितने सौभाग्य है, हमारे वंश में एक बेटा भगवान की भक्ति कर रहा है, हम कितने सौभाग्यवान है, हैं? इसलिए जब उनके कहते ये वृक्ष से जो मधु नहीं झर रहा है, बोले क्या हो रहा है? इन लोग आंखों से आंसुओं की झरी बह रही है, आंखों की आंसुओं की झरी बह रहा है। बोले क्यों? हमारे वंश में एक बेटा कौन? बंसुरी। किसका? बांस का एक टुकड़ा बंसुरी, मतलब हमारी वंश से एक बच्चा, कितना सौभाग्य किया बंसुरी ने। कृष्ण क्या कर रहे हैं? कभी हाथों में पकड़ते हैं, कभी उसको अधर में पकड़ते हैं, कभी उसकी कमर में धारण करते हैं, और कभी कभी प्रभु जी आगे आ जाओ, कभी उसको अपना कमर में धारण करते हैं,
और कभी कभी कृष्ण उसको बंसुरी को बजाते भी, बंसुरी को क्या करते हैं, ऐसे बजाते ना, ऐसे बजाते ना, ऐसे क्यों बजाते हैं, इसलिए राधा रानी कहती हैं जैसे कोई राजा महाराजा की सेवा करते हैं ना, कैसे सेवा करते, जैसे दल्लभ गद्दी के ऊपर सोते हैं, दल्लभ गद्दी के ऊपर राजा सोता है, कृष्ण का जो अंगुल नहीं ये दल्लभ गद्दी है, उसको बाद में उनको चरण दबाते हैं सब, कृष्ण अंगुली चलाते हैं, बोले अंगुली नहीं चला रहे उनका चरण सेवा कर रहे हैं, बोले आंखों का जो पलक झपती है, बोले पलक नहीं झप रही है उनको हवा, उसको हवा कर रहे हैं, और कान में जो कुंडल, बोले कुंडल नहीं, जैसे कोई राजा महाराज का सर के ऊपर छत्री धारण करते हैं, ऐसे ही देखो कृष्ण ये बंसुरी को कितने सौभाग्य प्रदान करते हैं, बंसुरी को कितना कृष्ण कितने सौभाग्य प्रदान करते हैं, बोले हे कौन, बोले हमारी वंश का एक टुकड़ा है, मतलब हमारी ये संतान है, बोले कृष्ण इसको कितने सौभाग्य, इसलिए वो वृक्ष से मधु नहीं झर रही है, वो आंखों से आंसू बझरा रही है, कभी ये देखो ये यमुना में सुंदर सुंदर जो फूल खिला हुआ, बोले ये फूल खिल नहीं रहा है, ये फूल नहीं खिल रहा है, बोले ये क्या हो रहा है, बताओ क्या हो रहा है, वो फूल क्यों खिल रहा है, बोलो बोलो कि फूल क्यों खिल रहा है, चांदनी दीदी बोलो, कहते ये फूल नहीं खिल रहा है, बोले हंस रहे, ये क्या कर रहे हैं, हंस रहे हैं, बोले क्यों हंस रहे हैं, कारण क्या, बोले इसलिए हंस रहे हैं, कारण इसलिए हंस रहे हैं, वो नदी ये हंस रही है, बोले नदी क्यों हंस रही है, बोले कारण है जैसे कोई बच्चा बड़ा कब होता है, माँ की स्तनपान करते हुए बच्चा बड़ा होता है ना, माँ की स्तनपान करके बच्चा बड़ा होता है, जब किसी माँ की स्तनपान करके कोई बच्चा बड़ा होगा वो माँ भी तो छाती फूल जाती है ना, चौड़ी हो जाती है, देखो ये मेरा ही लाला है ना, लाला किसका लाला, मेरा ही लाला ये है, देखो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, हमारा जीवन धन्य हो गया, इसलिए कहते हैं ये जो फूल नहीं खिल रहा है, मानो ये यमुना, मानो ये मानसी गंगा, मानो ये है कुसुम सरोवर, ये हंस रहे हैं प्रसन्न होकर के, चूंकि हमारी बच्चा ही, हमारी तो स्तनपान क्या, क्यों वृक्ष कैसे बड़ा होता है, पानी पीकर तक वृक्ष बड़ा होता है ना, पानी पी करके, इसलिए हमारी पानी को पी करके ये वृक्ष बड़ा हुआ, और उसका एक टुकड़ा क्या हो रहा है, कृष्ण सेवा में, कृष्ण सेवा में, इसलिए यहाँ गोपियां कह रहे भैया जीवन किसके धन्य है ना, ये यमुना नदी का जीवन धन्य है, बोले क्यों, बोले कृष्ण जब बंसी धोनी करते हैं जैसे यमुना ऐसे बहते हुए आती है, लेकिन जब बंसी धोनी सुन करके कहते सबके सब अपना जो गति, कहते ये सबके सब का जो गति है ना उल्टा हो जाता है, बोले गिरिराज गोवर्धन द्रवीभूत होकर के वो कृष्ण का चरण का छाप आ जाती है, हैं कहते वहां पर जो जो नदी ये उल्टा बह, जैसे नदी ऐसे जाती है, लेकिन कृष्ण बंसी धोने सुनकर क्या होता है, कहते नदी फिर वो उल्टा बहने लग जाती है, जब नदी उल्टा बहती है पानी इधर आ रही है, और पानी जब बंद हो गया, बंद हो जाएगा तो वहां पर क्या होगा, वहां पर कहते भौंरा पड़ जाता है, भौंरा पड़ते हुए मानो यमुना नदी जो फूल को लेकर के कृष्ण के चरण में समर्पित कर रहे हैं, इसलिए अगर किसका जीवन धन्य, किसका जीवन धन्य, गोपियां कहती है बोले इन लोगों का जीवन सब धन्य, इनका जीवन है ये कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, तभी जो श्लोकों को राधा रानी कह रही है बोले हंताय अद्रि अबला हरिदास बज्य, कहते अगर जगत में किसका जीवन धन्य करना सार्थकता है, कहते किसकी है, बोले श्री गिरिराज महाराज की, बोले श्री गिरिराज महाराज की, प्रभु जी आज इधर आ जाओ, प्रभु जी को जगह दे दो, हरे कृष्ण, कदी जो श्लोक है ये राधा रानी गोपियां कद हंताय, हंताय मतलब होता है ये यहाँ पर बैठो, कद हंताय मतलब होता है वो आश्चर्य होकर के कह रही है गोपियां हैं, इसलिए अगर किसका जीवन धन्य है, इनका जीवन धन्य है, लेकिन अधन्य हमारे जीवन ही अधन्य है, हमारे जीवन ही धन्य नहीं, बोले क्यों, हम सबके सब कोई कृष्ण सेवा नहीं कर पा रहे, अभी यहाँ प्रश्न होता है अरे जीवन में हमें कृष्ण सेवा मिले कैसे, कृष्ण की सेवा हमें मिलेगी कैसे, तो यहाँ पर कह रहे हैं तब भी कृष्ण सेवा मिलेगी, कहते महत बिना महतर कृपा बिना कौन कर्म भक्ति न है, कृष्ण भक्ति दूरे रहो संसार नाय करे, कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं
कहते जब तो कोई महान पुरुष की, जब तो कोई महान संतों की कृपा नहीं होना, जब तो किसी महान संतों की कृपा नहीं हो, मह तेरे कृपा बिना कौन कर्म भक्ति नहीं। आप जो कुछ भी कर लो आपको भगवत भक्ति नहीं मिल सकती है जब तक कोई महान संतों की कृपा नहीं हो जाती। इसलिए श्री हमारे श्री भरत महाराज कह रहे हैं, भरत महाराज कह रहे हैं रघुगण महाराज को कह रहे हैं, बोले रघुगण रघुगण न तपस्या, तपस्या से भक्ति मिलने वाले नहीं। कहते बड़े उच्च कुल में जन्म ले लिया मिलेगा, बोले नहीं। न जाति, बोले दिन भर हम पूजा पाठ करते हैं मिलेगा नहीं, बोले नहीं। बोले नहीं बस छंदसा, बोले वेद पाठ रोज रोज वेद पाठ करता हूँ मिलेगा, बोले नहीं नहीं। बोले मैंने घर बार छोड़कर साधु बन गया, घर बार मैंने छोड़ दिया सब, क्या इससे भक्ति मिली जाएगी, बोले नहीं। बोले दिन रात हम अग्नि देवता की सूर्य के दिन भर हम पूजा करते रहते, दिन भर पूजा करते, सवेर से शाम तक पूजा ही करते हैं। इसलिए मथुरा में कुछ माताएं एक बार गुरुदेव कह रहे थे, वहां पर कुछ माताएं सवेरे निकलेंगे 6 बजे और पूरा घूमते घामते पूरा 1 बजे घर में आएंगे। बोले जाएंगे ये पीपल में पानी चढ़ाएंगे, उसमें धागा वागे देंगे पीपल में, फिर वहां से देखेंगे जाएंगे कंकाली देवी, वहां से 4-5 किलोमीटर चल कर जाएंगे कंकाली देवी को पूजा करेंगे। सब वहां पर सारे गणेश जी ब्रह्मा जी शंकर जी सब सबको थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे हैं, फैले चलेंगे यहाँ से नहीं, फिर वहां पर कहाँ पर चलो, वहां पर मनसा देवी है चलो वहां पर चलो, और मनसा देवी के पास में जाएंगे। ऐसे पूजा करते 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 ना सवेरे निकलेंगे 6 बजे और आएंगे 1 बजे पूरा मुंह सूखा हुआ, सवेरे से कुछ भोजन हैं, सवेरे से कुछ, सवेरे से कुछ भी भोजन नहीं किए हुए हैं, सवेरे से कुछ भी भोजन खोलते था इसलिए सवेरे से कुछ भी नहीं खाएंगे। और कितने बजे आकर पहुंचेंगे, 1 बजे आकर के पहुंच गए। बोले बाबा ने इतना पूजा किया, गुरुदेव कहते थे इतने हमने इतने सारी हमने पूजा करके आई सारा दिन, बाबा रे सारा दिन। इसलिए गुरुदेव कहते थे भैया इसको द्वारा भी होने वाले नहीं, नहीं वह छंद सा नहीं वह जलागी, फिर क्या करना पड़ेगा। बोले होगा, बोले बिना महत पतो रजो भी से कम, बोले जब तो कोई महान साधु जिनकी मति कृष्ण रस भाविता मति, जिनका मति संपूर्ण कृष्ण रस में भाविता डूबा हुआ, ऐसे साधु का शरण हम जब तक नहीं जाएंगे, बोले भैया जीवन में जो कुछ भी कर दो कुछ होने वाले नहीं। इसलिए यहाँ पर राधा रानी गोपिया कह रही हैं, बोले भैया ये महत में सबसे बड़े बड़ा संत कौन है। कहते संतों में ये सबसे बड़ा संत कौन है, बोले हरिदास बरजिया, ये गिरिराज गोवर्धन, ये सबसे बड़े संत श्री गिरिराज गोवर्धन, ये सबसे बड़े संत है। इसका मतलब जब तक इनकी शरण में नहीं जाओ ना गिरिराज की, बोले भैया कुछ होने वाले नहीं, इनकी कृपा पाना है। इसलिए राधा रानी क्या कहती हैं, गिरि नृप, कहते गिरियों में ये सर्वश्रेष्ठ गिरिराज हैं और हरिदास वर्ज हरिदास में सर्वश्रेष्ठ। तब गुरुदेव इसको पर में गुरुदेव टीका लिखते हैं, गुरुदेव कहते हैं जब राधा रानी स्वयं कहती हैं ये हरिदास में सर्वश्रेष्ठ, कुछ तो कारण भी होगा ना। तब गुरुदेव कहते हैं जैसे 3 हरिदास बताया, कहते पहला हरिदास श्री युधिष्ठिर महाराज है, ये बात को कौन कह रहे हैं, कहते ये बात को जिस समय वो राजसूय यज्ञ हो रही थी है? जब राजसूय यज्ञ हो रही थी उन्हें राजसूय यज्ञ में ऐसे उन्होंने कृष्ण को सर्वश्रेष्ठ रूप में उन्होंने स्थापन किया, क्योंकि बोले अग्र पूजा किसकी होनी चाहिए, बोले स्वयं बोले अग्र पूजा अगर किसको होनी चाहिए, केवल कृष्ण ही एकमात्र पूज्य है जिनकी सबसे पहले उनकी पूजा होनी चाहिए। इसलिए उनकी पूजाओं को देख करके नारद स्वयं कहते हैं, बोले भैया श्री जो श्री युधिष्ठिर महाराज हैं, हैं ये हरिदास है, ये श्री हरिदास है, क्योंकि ये जितने कृष्ण की सेवा के लिए, कृष्ण की प्रशंसा, कृष्ण की प्रतिष्ठा के लिए उनने जो काम किया ना, उसको जितना प्रशंसा किया जाए राजस्व यज्ञ को उतना कमी है, उतना कमी है।
इसलिए पहला हरिदास कौन है? कहते श्री युधिष्ठिर महाराज हरिदास। तब गुरुदेव इसका टीका में कहते हैं, बोले भैया जब हम दास का शब्द सुनते हैं ना हमें बहुत घृणा लगता है, क्या नौकर बनेंगे? दास मतलब नौकर है ना, दास मतलब नौकर है, हम किसका नौकर बनेंगे? तो गुरुदेव कहते भैया दास है ना ना मानिय अल्प भाग्य माने, अल्प भाग्य दास नहीं करने भगवान, आगे है मुक्ति, ता पर है सर्व बंध नाश, ता पर है ते बारे के कृष्ण दास दास। बोले कृष्ण का दास कौन बन सकता है? बोले दास शब्द सुन करके दास है ना न मानिय अल्प भाग्य माने, अल्प भाग्य से भगवान किसको दास नहीं बनाते हैं? बोले कब बनाते हैं? बोले आगे है मुक्ति, पहले मुक्ति होगी उसको बाद में सारे बंधन नाश होंगे, हैं? उसको बाद में जा करके कोई कृष्ण की दास बन सकता है। हनुमान जी कौन है? भगवान की दास है, भगवान की दास है, हैं? बोले शंभु ब्रह्मा अमर पति गणेशार चित पद, अकेला ईश्वर कृष्ण और सब भृत्य, केवल ईश्वर अगर जगत में कोई, केवल कृष्ण जगत में आज सब उनकी भृत्य है, ब्रह्मा शंभु अमरपति, अमरपति कौन है? अमरपति कौन है? कहते श्री इंद्र, गणेशार्जित लक्ष्मी, जिनकी चरण की सेवा लक्ष्मी कर, भैया कृष्ण का दास बनना स्वयं बलदेव प्रभु कृष्ण से अभिन्न होते हुए भी क्या कर रही है, क्या कर रहे हैं सब? कृष्ण की सेवकाई कर रहे हैं, कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। राधा रानी कौन है? कृष्ण जिनकी आराधना करते हैं, कृष्ण ने आराध्यते इति राधा, कृष्ण भी जिनकी चरण की आराधना करते राधा रानी की, लेकिन वो राधा रानी क्या करती है? विश्व ब्रह्मांड का मालिक जिनकी सेवा करती है, इसलिए सेवा को जो है, लेकिन वो क्या करती है, हैं? राधा रानी क्या कहते हैं? कृष्ण ने आराध्यते इति राधा, जो हर समय कृष्ण की आराधना करती है। इसलिए महाराज कहते भैया जो दास शब्द सुन करके नाक सिकुड़ाया मत करो, भगवान सहज रूप में किसको दास रूप में स्वीकार नहीं करते हैं, इसलिए उन्हीं दासों में कहते, उन्हीं दासों में कहते श्री श्री हमारे श्री युधिष्ठिर महाराज कहते ये कौन है? हरिदास। हरिदास बर कौन है? उद्धव जी। हरिदास बर कौन है? श्री उद्धव जी हैं। कहते क्यों उद्धव जी? कृष्ण की आज उस दिन कथा सुन रहे थे ना, उद्धव जी कृष्ण स्वयं कहते उद्धव जी तू मेरे जितने प्रिय हो, मेरे बेटा भी उतना प्रिय नहीं, शंकर भी इतना प्रिय नहीं, मेरी लक्ष्मी भी इतना प्रिय नहीं, मेरे ताऊ भैया भी इतना प्रिय नहीं, मैं भी मेरा इतना प्रिय नहीं, तू मेरे जितने प्रिय हो। उद्धव जी कृष्ण जैसे देखने में, उद्धव जी की देखने में एक जैसे कृष्ण उद्धव जी एक ही रंग के हैं, एक ही रंग के उद्धव कृष्ण देखने में। इसलिए कभी कभी जब उद्धव जी कृष्ण लीला में इतने डूब जाते थे, मैया जब उनको बुलाए करते थे बेटा भोजन कर लो, भोजन के लिए नहीं आते थे, कृष्ण लीला में इतने डूब जाते थे, बचपन में कृष्ण का मूर्ति लेकर के उसको साथ में खेलना, उसको गोद में लेकर के सोना, उसी को साथ में संपूर्ण डूब जाते थे, कौन? श्री उद्धव जी कृष्ण के इतने बड़े। कहते ये दो, लेकिन हरिदास परिचय, कहते गिरिराज कौन है? कहते ये हरिदासों में जो सर्वश्रेष्ठ हरिदास है, हरिदास सर्वश्रेष्ठ हरिदास है। इसलिए तब गुरुदेव कहते थे, सब भक्त लोग ने बताया ना, ये हरिदास भी है और ये हरिदासी भी है, हरिदास भी है और ये हरिदासी भी है। बोले हरिदासी कैसे? तब गुरुदेव इसके बहुत कारण बताते थे, क्या देखो उद्धव जी जब उन्होंने गोपियों के प्रेम को देखा, जब उन्होंने राधा रानी के प्रेम के चमत्कार को देखा, बोले भैया ये चीज कैसे प्राप्त होगी? बोले जब तक श्री गिरिराज, उन्होंने बहुत सोचा हम किसकी शरण लेने पर ये हमारी इच्छा पूरी होगी, बोले जब तक श्री गिरिराज की कृपा नहीं होगी ना तब तक ये इच्छा हमारी पूरी नहीं हो सकती। इसलिए उन्होंने कहां पर आकर के आश्रय लिया? बोले श्री गिरिराज गोवर्धन में आश्रय लिया। क्यों? अगर गिरिराज की अगर कृपा होगी तो फिर हमारी इच्छा ये हमारी पूरी हो सकती है। इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी कहते ये कौन है? रघुनाथ दास गोस्वामी कहते रति मंजरी है, रति मंजरी है। ये स्वयं कहते हैं
ନିଜ ନିକଟ ନିବାସ ଦେହି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂର୍ଣ୍ଣତମ ଉଦର ଆଦାରଣୀ କି ମିଲ ଯାଇଛି ଫେର ଓ କିଆ କହତେ ହମେ କିଆ କରୋ ହମେ ଶ୍ରୀ ଆପଣା ଚରଣ ମେ ନିବାସ ଦୋ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ କୋ ନହିଁ କଦି ଲବଙ୍ଗ ମଞ୍ଜରି ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଆର ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ଚକ୍ର ଠାକୁର ଅଭି ମଞ୍ଜରି ହେ କୃଷ୍ଣଦାସ କବିରାଜ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଅଭି ମଞ୍ଜରି ସବ କେ ସବ ଇ ସବ କିସନେ କିଆ ପ୍ରାର୍ଥନା କି ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ରୋଜ ଗିରିରାଜ କି ପରିକ୍ରମା ଲଗାତେ ଗିରିରାଜ କି ପରିକ୍ରମା ରୋଜ ଲଗାତ ଭୈୟା ସବ ସଖୀ ମଞ୍ଜରିଆ ଫେର ଇଏ ଗିରିରାଜ କି ଫେର କ୍ୟୁ ପରିକ୍ରମା ଲଗାତି ହେ କାରଣ କିଆ ବୋଲେ କାରଣ ହେ ଜବ ତକ ଇନକି କୃପା ନହିଁ ହୋଗା ନା ସାଧନ ରୂପ ମେ ଦିଖାତେ ହେ ଜବ ତକ ଇନକି କୃପା ନହିଁ ହୋଗା ତବ ତବ ଶ୍ରୀ राधा कृष्ण का जो जुगल सेवा है ये सेवा तुम्हारी प्राप्त असंभव है। इसलिए गुरुदेव कहते थे इन्होंने ये पत्थर रूप फिर धारण क्यों किया, कहते गिरिराज गोवर्धन ये पत्थर रूप फिर क्यों धारण किया। तो गुरुदेव उसके दो कारण कहते थे, दो कारण क्या क्या बोला देखिए, क्या क्या कारण है। कहते इन्होंने ये पत्थर रूप क्यों धारण किया, तो गुरु इसलिए गुरुदेव इसकी दो कारण बताया करते थे। बोलते पहला कारण है, कहते हम सुनते थे ना प्रमद बंदर लीला कंदरे कंदर, ठाकुर जी जो श्रृंगार रस की जो लीला है, जो श्रृंगार रस की लीला है कृष्ण इनकी कंदर कंदर में उन्होंने श्रृंगार रस की लीला की। जब उन्होंने श्रृंगार रस की लीला करते हैं, जैसे श्रृंगार रस में ब्रज गोपियों के साथ में मिलना, हिंदोल लीला, नौका विलास, रास लीला, मधुपान, ये सब अद्भुत अद्भुत उन्होंने लीला की। जब अद्भुत अद्भुत लीला करेंगे अभी अभी किसको साथ किसको सामने कर सकते हैं, सबको सामने ये लीला नहीं हो सकती है। इसलिए गिरिराज जैसे उदाहरण से बाथरूम में जब हम स्नान करते हैं जैसे चाहते हैं वैसे कपड़ा बदला देते हैं, क्यों हमें पता है ये पत्थर है, ये पत्थर है, इसमें जान नहीं। उसी तरह गिरिराज ने सोचा अगर मैं साक्षात रूप में रहूंगा ना फिर मेरे अंदर में ये कुंज कुंज में लीला कर ही नहीं सकते हैं, इसलिए क्या बन जाओ, पत्थर बन जाओ, जड़ बन जाओ। जड़ बन जाएंगे तो वो जैसे चाहेंगे राधा कृष्ण वो वैसे लीला कर सकते हैं। गुरुदेव कहते थे ये एक कारण है। दूसरा कारण बताया करते थे ये पत्थर क्यों बने, बोले कारण है पत्थर बनने का, कहते जो अष्ट सात्विक विकार है कृष्ण प्रेम की आठ विकार है, आठ उसमें लक्षण है, श्वेत कंप अश्रु पुलक वैवर्ण स्तंभ, इसमें आठ उसकी लक्षण बताया। उसमें एक लक्षण है अष्ट सात्विक विकार में, एक लक्षण है स्तंभ। स्तंभ मतलब होता है जैसे जड़ता प्राप्त कर लेना, जड़ बन जाना पूरा है। इसलिए जब कृष्ण का चरण स्पर्श मिलता था गिरिराज गोवर्धन को, कृष्ण की जब चरण स्पर्श राधा रानी की चरण स्पर्श मिलता था वो चरण स्पर्श से ही मानो वो एकदम स्तंभ जैसे हो गए, जड़ जैसे बन गए हैं, एकदम पत्थर जैसे बन गए। इसलिए दो कारण से कहती जो गिरिराज गोवर्धन पत्थर बने हुए। अब देखना गिरिराज गोवर्धन में पत्थर तो बने ही, तो गुरुदेव कहते थे भैया गिरिराज गोवर्धन टुकड़े टुकड़े क्यों हो गए, कहते एक कारण तो बताए पुलस्त ऋषि के अभिशाप से, जब उन्होंने ला रहे थे सालमली द्वीप से और जब वो जाना नहीं चाहा, हैं जाना नहीं चाहा कहां काशी में, तब उन्होंने अभिशाप दे दिया, बोले जा तेरे को मैं अभिशाप देता हूं, तुम तिल तिल खीण होते जाओगे और तू टुकड़े टुकड़े हो जाओगे, टुकड़े टुकड़े हो जाओगे। भैया गिरिराज गोवर्धन हरिदास वर्ज कृष्ण स्वरूप है, ये अभिशाप ऋषि का अभिशाप से टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, बोले नहीं। तो गुरुदेव कहते थे इसका कारण है जब कृष्ण चले गए ये कृष्ण विरह में ही है, ये कृष्ण विरह में ही ये टुकड़े टुकड़े हो गए। अब देखना गिरिराज शिला में एक विशेष चीज देखना, बोले क्या विशेष चीज है। अब कहीं भी कहीं का पत्थर को आप लो, कहीं पट्टू के कुड़े को अब हाथ में अगर उसको रगड़ोगे ना देखना वो खसखस लगेगा, लेकिन आप गिरिराज की कोई भी टुकड़े को, गिरिराज की कोई टुकड़े को आप हाथ में उठाओ आप देखना खसखस नहीं लगेगा, आपको ऐसे लगेगा जैसे मुलायम लगेगा, उसमें जैसे कोई घी लगाया, उसमें कोई घी लगाया। आप लोगों ने गिरिराज गोवर्धन देखे हो, कौन कौन गिरिराज देखे हो, सबके सब देखे। आप देखना एक गिरिराज में एक विशेष चीज देखना, कहीं भी पत्थर का आप देखोगे उसका सर खड़ा हुआ देखोगे, लेकिन गिरिराज की आप कहीं भी नहीं देखोगे वो खड़े हुए, आप देखो मुलायम है,
गिरिराज एकदम बुलाए हुए हैं, बोले क्यों, बोले कृष्ण का चरण स्पर्श पा करके, कृष्ण की बंसी ध्वनि सुन करके गिरिराज एकदम पिघल गए, एकदम गिरिराज गोवर्धन एकदम पिघला हुआ रूप देखोगे, क्योंकि राधा कृष्ण का प्रेम में ये पिघले हुए हैं श्री गिरिराज गोवर्धन। अब कहीं भी गिरिराज की कोई भी एक टुकड़े को लेकर देखो, कोई भी आप देखना, कोई भी एक टुकड़ा ले लो गिरिराज की, आप देखना कृष्ण की, क्यों गिरिराज स्वयं कृष्ण है, अब हर टुकड़े में देखोगे कृष्ण का कहीं ना कहीं चिन्ह देखोगे, कहीं बाल गोपाल का रूप देखोगे, कहीं है अनंत देव का रूप देखोगे, कहीं राधा कृष्ण का स्वरूप देखेगा, कभी नरसिंह भगवान का रूप रहा, कहीं भी कोई टुकड़े भी आप लेकर देखोगे ना, हर टुकड़े में अलग अलग रूप आप देखेगा। लेकिन मथुरा में एक भक्त थे, गुरुदेव का भक्त थे, वो गिरिराज को बड़े प्रेम से सेवा करते थे, बड़ी प्रेम से हैं गिरिराज पूजा सेवा करते थे। मैं उनके घर में भिक्षा में जाता था, सीधा लेने के लिए जाता था भिक्षा में, वो खुद बोलते थे, बोले महाराज कभी उसमें तो हमें राधा रानी दिखती है, कभी इसमें हमें कृष्ण दिखती है, कभी इसमें कृष्ण के बाल गोपाल रूप दिखता है, और कभी कभी इतना ये नटखट करता है ना, वो मेरे को इतने नटखट करते थे ना गुरु जी की, ये बहुत पुराना शिष्य, रामचंद्र प्रभु की जय। आएंगे प्रभु जी? हाँ गिरिराज जी कथा गुरु जी से जो सुना था, राजा तो थकना, चलो हम अभी नाट्य मंदिर में, तो समय हो गया अभी नाट्य मंदिर, चलो मैं आ रहा हूँ। इसलिए वो कहती थी, बोले ये इतने नटखट है ना, वो इतने नटखट है, उसका जो जैसे ड्रेस पहनने का होता ना वैसे पहनेगा, जैसे उनके पास में अलग अलग रंग का ड्रेस था देखो, इसलिए ठाकुर जी को ना ऐसे नहीं, एक ठाकुर को कपड़ा पहना के रख दिया पांच दिन से बैठे हुए, नहीं, जैसे हम दिन में कभी कभी अपना ड्रेस को दो बार बदलाते हैं, लेकिन कभी ठाकुर जी को ना दस पांच दिन से एक ड्रेस पहना कर रख दिया ठाकुर जी बैठे हुए, ऐसे नहीं करनी चाहिए। वो माता रोज ठाकुर को पंचामृत में नहाना करेगी, रोज रोज अलग अलग ड्रेस पहनाएगी, वो कहती थी उसकी जो इच्छा होगा ना वही ड्रेस पहनेगा, मेरी इच्छा से नहीं, जैसे मैं हरा रंग की पहना वो पहनेगा नहीं, अपने आप खिसक जाएगा, वो बोलती थी वो अपने आप खिसक गिर जाएगा वस्त्र, मैं समझ जाऊंगी इसको पहनना नहीं चाहता है, फिर मैंने लाल रंग का पसका पहना, फिर कोशिश करता हूँ वो भी गिर जाती है, लेकिन जब पीला रंग का वस्त्र पहना तो फिर वस्त्र सही फिट होता है, लग जाता है, मैं समझ जाती हूँ उसकी आज इच्छा है ये रंग के वस्त्र पहनना, वो ऐसे ऐसे अनुभूति, उसका जो मुकुट थी कहती थी ये मुकुट भी ऐसे नहीं पहनेगा, ये इसका मन मर्जी पहनेगा, उसके पास में अलग अलग मुकुट थी, मतलब वो कहती थी सेवा रोज मतलब प्रीति से सेवा करती गुरु जी का शिक्षा थी। वो कहती थी महाराज जी बड़ा नटखट भी है, हैं इसको ऐसे मत समझो, छोटे नहीं बड़े खोटे हैं ये, हैं ये कभी मेरे साथ में लड़ती है, वो कहती मतलब इतने अच्छे जी बात, कभी कभी मेरे को ऐसे लगता है जिसे मान करके बैठा गया, खाना भोजन लगाए ना अगर उसके पसंद नहीं होगा, उसको लगेगा जिसके मुंह सूखा हुआ, मतलब तुम जो खाना खिला रहे हो ये खाना मेरे को पसंद नहीं, और कोई खाना खिला, ऐसे ऐसे अनुभूति की बात बताया करती थी। मतलब जब प्रीति से आप ठाकुर को गिरिराज की सेवा करोगे ना, ये गिरिराज आपकी अलग अलग रूप में गिरिराज आपको दर्शन प्रदान करेंगे, ऐसे ही गिरिराज के महत्व। इसलिए यहाँ राधा रानी कहती हैं, हंताय अत्रि अबला हरिदास वर्ज जत राम कृष्ण चरण स्पर्शम प्रमदम। इसलिए कृष्ण कहती है जो हरिदास गिरिराज गोवर्धन कृष्ण का चरण को स्पर्श करते हुए इतने आनंद इतने प्रसन्न होते हैं, कहते उसमें जो घास है ना वो घास नहीं, बोले ये क्या है, बोले इनकी जैसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना, कृष्ण चरण का स्पर्श से इनका रोंगटे खड़े हो गए, बोले जो झरना, बोले ये झरना थोड़ी है, बोले ये क्या है, बोले प्रेम से इनकी आंखों से आंसू की झरी बह रही है, आंसू की झरी बह रही है, हैं बोले भैया गिरिराज गोवर्धन शिला पत्थर होता है, कृष्ण को कष्ट नहीं होगा पत्थर में प्यार और कष्ट नहीं होगा, बोले नहीं ये गिरिराज जो गोवर्धन अपना जीहा को निकाल देती है, जो कृष्ण चलते हैं ना वो अपना जीहा को निकाल देती है, और जीहा कितना गुदगुदी होता है, जीहा कितने गुदगुदी होता है, इसलिए कृष्ण क्या करते हैं वो गुदगुदी के ऊपर चलते हैं, कृष्ण उसके ऊपर में कृष्ण चलते हैं, और कभी कभी तो संत लोग का ठाकुर जी की
चरण को थोड़ी नीचे गिरने देंगे। संत लोग अपना हृदय को निकाल कर रख देते, ठाकुर जी आप अपना चरणों को हमारी हृदय में धारण करो, हमारा हृदय में रखो, हैं हृदय में धारण करो। इसलिए कहते वहां पर किस रूप में उदाहरण देते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति आपके घर में आए, फिर आप क्या करोगे, उनको चरण धोओगे, उनकी चरण धोओगे ना पहले। इसलिए कहते उसमें जो झरना से जो पानी क्या करती है, कृष्ण की चरण को धोती है। फिर उनके बैठने के लिए दोगे, कहते रत्न वेदी प्रकाशम, कहते कृष्ण के लिए तो गिरिराज गोवर्धन इतने सुंदर सुंदर रत्न वेदी मणि मुक्ता से। इसलिए श्री कवि कर्णपुर कहते हैं हमें गिरिराज गोवर्धन कैसे दिखता, पत्थर दिखता है ना, कवि कर्णपुर कहते नहीं, ये तो हीरे जवाहरात असर पिया ये सब के साथ गिरिराज इससे भी श्रेष्ठ है, क्योंकि गिरिराज स्वयं कृष्ण स्वरूप हरिदास वर्ज्य है। हमें तो जड़ नेत्र से इसलिए हम पत्थर दिखते हैं, लेकिन ये पत्थर नहीं, कवि कर्णपुर कहते हैं यहाँ पर एक वृक्ष में एक तरह का फल होता है, गिरिराज में एक वृक्ष में अलग 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 फल है। एक वृक्ष में एक तरह का फूल हमें पता है, बोले एक वृक्ष में जूई चमेली बेली केतकी मालती, एक वृक्ष में हर तरह का फूल वहां उपलब्ध है, हर तरह का हमें पता। एक ऋतु ही होता है, जैसे ठंडा ऋतु एक ही, ग्रीष्म ऋतु एक ही, बोले नहीं गिरिराज गोवर्धन तो है, है? बोले वहां पर तो एक साथ में छह ऋतु प्रकट हो जाती है, कृष्ण सेवा के लिए छह ऋतु वहां पर प्रकट हो जाती है गिरिराज गोवर्धन में। इसलिए कृष्ण को बैठने के लिए सुंदर आसन देती है, जैसे चरण में किसको फूल अर्पण करते हैं, सुंदर सुंदर फूल को द्वारा कृष्ण की सेवा करते हैं। जैसे ठाकुर जी के लिए पंचामृत से स्नान कराते हैं, ठाकुर जी को पंचामृत से, बोले गिरिराज गोवर्धन में सारे अमृत उपलब्ध है। पंचामृत क्या क्या, दूध दही है घी शहद शक्कर है, बोले सबके सब गोवर्धन में। गैया घास खाते हैं, बड़े सुंदर दूध देते हैं, गैयाओं के लिए क्या बड़ी सुंदर सुंदर घास को प्रकट करती है। गैया घास खाते हैं, घास खाकर दूध देते हैं, हैं? उसके बाद में दूध से दही बन जाती है और दही से घी बनती है, इसलिए वहां से अपने आप तीनों चीज मिल गया। फिर पेड़ के ऊपर मधुमक्खी की छत्ता है, उसमें शहद प्राप्त होता है, और चीनी बोले बड़े सुंदर सुंदर गन्ने भी गिरिराज गोवर्धन में, बड़े सुंदर गन्ना भी होता है, उससे जूस निकलता चीनी बास। जैसे पंचामृत को द्वारा जैसे हम गिरिराज को स्नान कराते हैं ना, बोले गिरिराज गोवर्धन में सब कुछ उपलब्ध है, धूप दीप नैवेद्य सब कुछ उपलब्ध सी गिरिराज गोवर्धन में, ये सब कुछ गिरिराज गोवर्धन उपलब्ध, ऐसे कोई वस्तु नहीं जो कि गिरिराज गोवर्धन उपलब्ध नहीं। इसलिए गिरिराज गोवर्धन क्या करते हैं, पानी और उनके लिए फल, सुंदर सुंदर फल वहां पर झरना का पानी कृष्ण पीते हैं, मानसी गंगा में राधा कुंड सरोवर में वहां पर स्नान करते हैं, कुसुम सरोवर में कृष्ण बड़े सुंदर स्नान। इसलिए कहते हैं हंता अद्री अबला हरिदास वर्ज, इसलिए ये श्लोक कह रहे हैं हरिदासों में सर्वश्रेष्ठ हरिदास गिरिराज गोवर्धन। जब तक ये गिरिराज गोवर्धन की कृपा नहीं होगी ना, तब तो कोई कृष्ण सेवा को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए हमारे जितने गोस्वामी लोग हुए हैं किसका आश्रय लिए, सबके सब श्री गिरिराज गोवर्धन का आश्रय लिए। और हमारे श्री गुरु जी श्री भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज यहीं पर ही उन्होंने बड़े कठोर तपस्या किया। गुरुदेव खुद बोलते थे मैं यहीं पर रोज रोज दो दो लाख हरिनाम करना, पूरा गिरिराज की परिक्रमा करना, गोस्वामी ग्रंथ का अध्ययन करना, गुरुदेव यहीं पर रह करके उन्होंने कठोर साधन भजन किया। और जिसका गिरिराज की कृपा से ही गुरुदेव आज संपूर्ण विश्व में महाप्रभु के धर्म को उन्होंने जगत में प्रचार और प्रसार किया। इसलिए इनका नाम किया है गिरिराज गोवर्धन। गो मतलब इंद्रिया, कृष्ण की इंद्रिया, कृष्ण और कृष्ण ये दोनों का सेवा की। गुरुदेव कहते कृष्ण और कृष्ण, एक तो कृष्ण सेवा किया और कृष्ण मतलब कृष्ण का जो भक्त है सब ब्रजवासियों का, कृष्ण की सेवा किया और उन्होंने श्री ब्रजवासियों की सेवा किया। इसलिए इनका नाम गोवर्धन, गो मतलब इंद्रिया, वर्धन मतलब होता है बढ़ाना व पोषण करना। इन्होंने क्या किया, गिरिराज का जो नाम है गोवर्धन, गिरिराज गोवर्धन इन्हीं नाम को इन्होंने संपूर्ण रूप में सार्थक किया है। इसलिए बोले गिरिराज महाराज की जय, वैसे गिरिराज गोवर्धन की जय। अभी मैं तो और बहुत कल और कथा सुनाऊंगा, अभी हमारे बीच में हमारे
प्रभु जी कृपा करके पधारे हैं, प्रभु जी अभी रस बरसाएंगे, लेकिन हम इनके चक्कर में पड़ना नहीं, खुद भी पागल, दुनिया को पागल बना देते हैं, फिर थोड़ी सी सावधान रहना प्रभु जी से, ठीक है। तो राधा जी ने स्वयं कहा जो महाराज जी कह रहे थे, सह गो गणयो तयोर, श्री गिरिराज जी स्वयं कृष्ण की मात्र सेवा नहीं की, कृष्ण गिरिराज जी कृष्ण के साथ साथ सह गो गणयो तयोर, जितने थे गो मतलब गाय बछड़े, जितने गण जो गोपाल मतलब जो भी है समस्त जो ब्रजवासी है सब की उन्होंने सेवा की। सेवा करने के लिए पैसा तो है नहीं, न चार है, न पंखा है, न खाने पीने की चीजें हैं, तो कैसी होती है सेवा फिर? मतलब ये कोई सेवा है? मतलब बैठने को बढ़िया बढ़िया सुंदर चार नहीं है, पंखा नहीं है, 10 लोग नहीं है, ये नहीं है, मतलब ये कोई सेवा है? तो कहते हैं गिरिराज जी उनके पास जो है पानी सूय बस कंद मूले, भाई मेरे पास जो है
मैं उन सर्वस्व को कृष्ण ही नहीं बल्कि गो गणयो, कृष्ण और कृष्ण के प्रिय जन जितने हैं उन सब की सेवा में लगाया, तब जाके हरिदास बन रहे हैं। ये नहीं कि मेरे तो गिरिधर गोपाल, दूसरों को कोई दूसरों से कोई मतलब नहीं है, मैं और मेरे गोपाल बाकी जाए, ये वाला हिसाब किताब नहीं है। यहां तक भी कृष्ण से बढ़ के सखाओं की और गाय बछड़ों की, बलदेव प्रभु की, सब की, यहां तक भी गोपियों की, महाराज जी जो कह रहे थे, यहां तक भी कंदरक कंदमूल भाई, यहां पर श्री राधा जी ने गुप्त रूप में उसको इंगित मात्र किया, कंदर माने गुफा है, ठीक है, व्यक्त रूप में नहीं कही चीज है। तो गुफाओं के द्वारा किसकी सेवा की? हाँ, सखाओं को तो की है, वो कभी वहां बैठ के विश्राम करते हैं और खेलते हैं, लुका छिपी इत्यादि खेलते हैं, ठीक बात है। किंतु राधा जी का कहने का क्या मतलब है? वो ये है कि कभी कभी कृष्ण के साथ निगूढ़तम मिलन का जो रसास्वादन का सुयोग है वो गिरिराज जी प्रस्तुत करते हैं, जिसमें किसी की कोई बाधा नहीं, किसी प्रकार की कोई हाँ, गर्मी के दिनों में बाहर गर्मी है किंतु गिरिराज जी इतना सुयोग प्रस्तुत कर देते हैं कि गुफाओं के भीतर जाके बैठो ठंड। श्री कृष्ण को राधा जी वो चंदन लगाती है, अच्छा चंदन कहां से आएगा? गिरिराज जी इतने मतलब सेवा की भावना है कि उन्होंने कहा पत्थर हो फिर भी मेरे पत्थर को रगड़ो, उसमें से एक प्रकार का चंदन निकल ही जाता है। चंदन में क्या है? सुगंध है। ठीक वैसे मेरे में क्या है? सेवा करने का, प्रीति विधान करने का, संपूर्ण राम के रूप में नौचावर कर देने की तीव्र लालसा है, तो इसलिए घिसेंगे तो उसमें से भी निकलता है एक प्रकार का चंदन, राधा जी और गोपियां श्री कृष्ण को लगाती है। तो इस प्रकार से श्री गिरिराज जी जो है, महाराज जी जैसे कह रहे थे पत्थर नहीं है, शास्त्रों में तो है वैसे कि जितने बड़े बड़े पहाड़ है सब जीवंत पुरुष है, मतलब कोई ना कोई व्यक्ति है सब, ठीक है, जैसा हिमालय हो गया, जैसे सह्याद्री हो गई, ये हो गया वो हो गया, मतलब सारे जो पहाड़ों की श्रेणी है सब एक एक व्यक्ति है। तो गिरिराज जी भी एक मूर्ति है, केवल पत्थर नहीं है, किंतु महाराज जी ने जितने सुंदर तरीके से समझाया, सनातन गोस्वामी पाद जी ने भी बृहद भागवतामृत में कहा है कि भाई पत्थर है तो कृष्ण और सका लोग चलेंगे तो चुभेगा नहीं। तो सनातन गोस्वामी पाद जी बृहद भागवतामृत में कहते हैं कि गिरिराज जी इतनी सेवा की भावना है, जैसे ही कृष्ण ने पैर रखा पत्थर नहीं, रूई मकमल से भी बिल्कुल कोमल बन जाते हैं। तो इसीलिए सब प्रकार से पानी ये सूर्य बस कंदर कंदमूले, कंदमूल है मेरे पास वो सेवा में लगा दी, पानी है पिला दिया, घास है खेलने को कर दी, और फिर बैठने के लिए जगह जगह प्रस्तुत कर दी। इस प्रकार से सब प्रकार से सेवा की। कैसी सेवा की? बिल्कुल किसी को कुछ पता ही नहीं, ये नहीं कि भाई हाँ हम है कुछ है, बिल्कुल भी नहीं। तब जाकर के श्री कृष्ण का ये स्वभाव है, जो मेरे लिए सब कुछ समर्पित कर देता है, कृष्ण का स्वभाव है कि उसकी महिमा को जगत में वो प्रकाशित करके ही रखते हैं, चाहे माधवेंद्र पुरीपाद है, चाहे प्रहलाद महाराज जी है, चाहे गिरिराज जी है। स्वयं 7 दिन तक अपने हाथों में धारण करके कृष्ण ने जगत में, जो गिरिराज जी बिल्कुल चुप चुप के, मतलब पता ही नहीं चलता था है कौन, श्री कृष्ण 7 दिन तक धारण करके संपूर्ण जगत में सब समय के लिए दिखा दिया कि जितना ये गिरिराज जी प्रिय है इतना तो बाकी कोई भी नहीं है। श्री गिरिराज जी बाकी सब तो दास है, किंतु गिरिराज जी दासों में श्रेष्ठ क्यों है? सबकी तो सेवा की, किंतु सेवा भी फिर कैसे की? बिल्कुल कि रागमयी भक्ति के द्वारा, ब्रज भाव के द्वारा, जिस प्रकार से गिरिराज जी ने सेवा की वैसे किसी दूसरे ने, उद्धव जी ने सेवा की किंतु उसमें कुछ वैदी भाव, उसमें कुछ मर्यादामयी भाव रहा। तो इसलिए श्री गिरिराज जी की महिमा के बारे में क्या कहें, श्री गिरिराज जी की कृपा के बिना
श्री गिरिराज जी के चरणों के रज प्राप्ति के बिना ब्रज में और ये ब्रज भाव में कभी भी किसी का भी किसी जन्म में भी प्रवेश होना संभव ही नहीं। तो इसलिए श्री गिरिराज जी के चरणों को हम पकड़ेंगे तो गिरिराज जी हमें भरपूर कृपा करेंगे। अच्छा कैसी कृपा करेंगे, कल रामचंद्र प्रभु जी समझा रहे थे, जो लोग यहाँ कल आए होंगे सुने होंगे, श्री गिरिराज जी भले ही संसार की सब चीज हमको दे देते हैं किंतु वास्तविक वो कृपा क्या है, श्री गिरिराज जी हमें कृष्ण के परम प्रिय भक्तों का दर्शन उनके संग का सुयोग हमें प्रदान करते हैं कि जीवन हमारा कहां से कहां बदल जाता। ये गिरिराज जी की विशेष महिमा है। जितने लोगों को देखो, मैं बहुत लोगों को देखा है, पहले जीवन में कष्ट लोगों से, पहले तो शनिदेव गए वहां गए यहाँ गए धर धर फिर भटके, फिर कहीं से सुना कि गिरिराज जी की महिमा है भैया जाओ, तो गए तो दो एक महीने में ठीक हो गया, फिर लगातार वो करते करते मानते गए मानते गए मानते गए और मानते मानते थक जाते हैं, फिर कहते जो आपकी इच्छा वो हमें दे दो, फिर क्या देते हैं भक्तों का संग करा ही देते कहीं ना कहीं। अब देख लेना बहुत सारे श्री गिरिराज महाराज जी हमें भक्तों का संग करा देते हैं जिसके प्रभाव से या जिसके माध्यम से हमें ये ब्रज भाव गोपियों का भाव तक हमें प्राप्त होना संभव है। बोलो गिरिराज महाराज की जय, गिरिराज गोवर्धन की जय, चाई गौर ब्रह्मानंद जय। चलो सब हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल।